गाइस तो चलो मैं अभी रोटी बनाने चलती हूँ, तो क्योंकि लव जी तो अभी बातें कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ रोटी की तैयारी कर लूँ। तो चलो मैं बताती हूँ कि कैसे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो मैं तवा वा रख लेती हूँ, मिलती हूँ इसको इस पूरे सेटअप के साथ। यू बना लो चपाती। तो गाइस मैं तो अभी बनाने जा रही हूँ चपाती वगैरह, क्योंकि लव जी जा रहे हैं काम पे और मैंने पहले से ही लोइयाँ बना के रख ली है। रीज़न थोड़ा और स्पीड में बन जाती हैं जल्दी जल्दी, तो मुझे ज़्यादा परफेक्शन नहीं है रोटी में, पर हाँ बना लेती हूँ। ऐसी बनी है, दिखाती हूँ तवे पे डाल के आप लोगों को, ठीक है। पहले तो मैं इसको डालने से भी इतना डरती थी कि ना पाम ना लग जाए, टच एक दो बार टच हुआ है, क्यों झूठ बोलूं इसलिए, ठीक है। और लोई भी जो होती थी ना ये इक्वल नहीं होती थी मुझसे, आज भी इक्वल नहीं होती है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ। एज अ बिगनर जो है जिनको नहीं आती, तो मैं कह दूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रोटी के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैं इतनी गोल तभी बना पाती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। और पहले क्या करती थी, एक साइड ऐसे करती थी, फिर ऐसे करती थी, फिर यूं करती थी, फिर यूं करती थी, मैं ऐसे रोटी बनाती थी। बट अब तो बस वो हाथ ऑटोमेटिक यूं ऐसे ऐसे घूमता है राउंड राउंड। चलो ये वाला रोटी हो गया मेरा, बातों बातों में लग भी गई क्योंकि तवा ऑलरेडी मैंने पहले से कर लिया था ना, इससे फटाफट हो गया। और रोटी को ना अच्छे से ना अंदर तक सेकना चाहिए, ये नहीं वाइट वाइट रहने दिया, फूल गई तो रोटी बन गई, नहीं, रोटी फूलने का मतलब ये नहीं होता कि वो बन गई, अच्छे से पहले उसको सेक ही लो। देखो मेरा राउंड राउंड ही चल रहा है, डाल दूँ सिर्फ ऐसे। ये वाला जो पोर्शन होता है लोग करते हैं ये ठीक लगता, मुझे ऐसा लगता कि टाइम जा रहा है, जिनके पास टाइम की ज़्यादा है टाइम तो यूँ कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, वरना बस प्रेस करो लोई को और बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और पहले क्या होता था ना, मैं पलट नहीं पाती थी हाथ से, मुझे लगता था कि शायद मेरा हाथ जल जाएगा, और एक दो बार जला भी है। जब पता चला जिनके जो रोटी बनाते हैं उनके टिप पर ना आटा लगा होता है, जब आप पलटोगे ना बिना चमटे के भी ना पलट सकते हो, यूँ लगेगा ही नहीं, चिपकेगा ही नहीं आपके तवे पे। और जब आपको लगे ना कि आपके जो भी स्लेप या किसी भी आप जो जिसको क्या बोलती हूँ मैं, मेरा तो चॉपिंग बोर्ड है उस पर बना रही हूँ, ठीक है, अगर आपका स्टिकी हो रहा है तो आप क्या करो ना, आटे में जो लगा के थोड़ा सा, एक मिनट अभी मैं बताती हूँ, पहले रोटी सेक लूँ, गोल गोल यूँ यूँ कर लिया करो जिससे अच्छे से सेक जाए। देखो चारों तरफ अच्छे से सेक लूँ, अब मैं बताती हूँ, चिपकने लग जाए पर इसको अच्छे से ऐसे करके दोबारा से कर, एक बार में पहले से ही अच्छे से आटा लगा लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, सूखा आटा। और पता है क्या, जैसे अगर आपने दोपहर में आटा मांडा है और उसको शाम के लिए अगर बच जाता है, वो ख़राब नहीं होता वेदर के अकॉर्डिंग की बता रही हूँ, अगर आप फ्रिज में अच्छे से उसको पैक करके रख दोगे तो नहीं ख़राब होता, और उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि जब आटा जितनी देर रखोगे ना, मीन्स अगर आपने अभी मांडा हो, कम से कम तुरंत मत बनाओ, तो पता है क्या होता है, तुरंत बनाओगे तो रोटी फटी फटी होती है, तो इसलिए ना थोड़ी देर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है आटे को। अब वो बात अलग है कि भाई बनानी है अभी अभी टाइम नहीं है तो ठीक चल जाता है, फिर उसको मांड लो या तो अच्छे से। बहुत से क्या करते हैं, थोड़ी सी ही बेलेंगे उसको हाथ से ही बढ़ा देंगे, बढ़ा तो मैं भी लेती हूँ जितनी बढ़ा सकती हूँ। बस यही टिप्स हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी। देखो जो आप लोगों को बहुत से ऐसे जो वीडियोस देख रहे होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो आप लोगों को लगता है कि मेरे में कुछ और कमी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, अदरवाइज़ जो बिगनर है हमारे जैसे
जिन्होंने शुरुआत करनी है तो शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसे ही कर सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनाओ पर बनाओ, बन जाएगी। रोटी खानी होती है, वो बात अलग है भाई। जब गेस्ट आते हैं प्लीज़ अच्छी सी रोटी, साफ़ रोटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ घर पे बना रहे हो तो बनाओ बनाओ, ये मत सोचो कि कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही। बट ये कि सेक अच्छी होनी चाहिए रोटी की, कच्ची ना हो वरना पेट में दर्द होता है कच्ची रोटी से। फ्लेम कम कर रखी थी इसलिए ये हुई नहीं है रोटी। तो अब क्या कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने बढ़ा दिया है। पता है अभी और स्पीड चाहिए ना आपको रोटी बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे। दो रोटी एक साथ कैसे मैनेज कर सकती हूँ वो टेक्निक में बता सकती हूँ। जैसे लगा है कि आपकी एक रोटी आपने बेल ली हो और ये दूसरी सेकने वाली हो, तो मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। मैंने इसको रखा डन, अब मैं एक रोटी बना रही हूँ फटाफट से। अब क्या है मेरी रोटी जैसे ये हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये रोटी अभी थोड़ी सी और हो जाए फिर मैं क्या करूँगी, इस रोटी को तवे पर डालूंगी और दूसरी रोटी को सेकने लग जाऊंगी बस, जिससे कि मेरी ये वाली रोटी भी फटाफट हो जाए। ये नहीं कि मैं इसका वेट करूँ। अब क्या है ना, मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी। इसको डाला, इसको चमटे से लेके फटाफट सेक दिया। अब इतनी देर में ये वाली भी हो जाएगी मेरी रोटी, क्योंकि तवा गर्म है इसलिए रोटी हो जाएगी। तवा गर्म हो जाए तो ये वाली टेक्निक आप जल्दी, अगर जल्दी में जिसको भूख लग रही भाई जल्दी दो 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 तीन तीन रोटी देनी है तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोई बना के रख लोगे ना तो और स्पीड में बनेगी, वरना फिर ये होता है लोई में ही टाइम लग जाता है। जितने लोग हैं मैं थोड़ी सी लोई बना के रख लेती हूँ, लेकिन आप ढक के रख लो। अब जब तो जैसे मैंने तुरंत रख दी, ये वाला आटा मेरा अब ठीक है फटाफट से, थोड़ा हार्ड है इसको मैंने फटाफट सेक लिया, क्योंकि ये मेरी रोटी अभी अच्छे से बेल नहीं पाई है तो मैं इस पर इसलिए मैं नहीं डाल ली। तो बस यही बताना था आप लोगों को। तो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये आ गया गुंडिया दो दो ओपो नंदा धूमरा तू गुंडिया कहीं का देखो आ गया। बाबू कुर्ता कहाँ है तुम्हारा? ये कुर्ता है पजामी पजामी है, तो कुर्ता कहाँ है? कुर्ता मैं तो पहन के नहीं आया। पहनते आओ, देखो छोटा बाबू पहन के आया। ये दोनों के दोनों गुंडिया यहाँ देखो, ये देखो ये देखो ये रही ये नहाते हो रोते हो आप? मुझे रोते क्यों हो आप? साबुन मुंह पे लगाते तब रोते हो आप? पेपर लगा क्या बोले जा रहा है नंगे पुंगे। ओ तो भाई ये दोनों आ गए गुंडिया, आज बुला रहा है बाल बाहर नहीं जाते, मना कर दो बाहर नहीं जाते, गंदी बात। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो वो बोलते हैं ना मैं बोल रहा हूँ। चलो भैया गुंडिया आ गया, आ जा बाबू कुर्ता तो पहन लेता, दिखा तो देता आज, आज दिखा तो देता। चलो बाय बाय बाय।